तो जय साथियों, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सप्लेन नॉलेज। दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी की दोस्तों आपकी न्यू रिक्वायरमेंट्स अभी आ चुकी हैं। आपकी दोस्तों कौन सी पोस्ट है गाइज, आपको फॉर्म कब से भरना है, आपका गाइज हाइट चेस्ट वेट क्या होना चाहिए, आपको टोटली जानकारी A to Z में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दोस्तों, फॉर्म से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हो आपसे इंपोर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है, इस बात पे गाइस ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। गाइस, कहाँ पे निकली है भाई? एसएसबी में निकली है, सीमा सशस्त्र बल। गाइस, पोस्ट कौन सी है? एससी मिनिस्ट्रियल। एससी मिनिस्टर दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है भाई। आपकी गाइस काफी अच्छी पोस्ट है। आपका जो गाइस में वर्क होने वाला है भाई, वो ओनली ऑफिस में होने वाला है। आपका ओनली डॉक्यूमेंट्स का काम रहेगा, ओनली कंप्यूटर के आगे आपका काम रहने वाला है। आपको ये नहीं कि आपको बंदूक उठानी है, फिर आपको कई और बाहर ड्यूटी देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपका अलग से रूम होगा, आपको अंदर रूम में अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ओनली लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने। ठीक है गाइस, बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। कितनी पोस्ट है भाई आपकी? 115 टोटल पोस्ट है यहाँ पे आपकी। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें, यूआर में 47 पोस्ट है आपकी, ईडब्ल्यूएस में 11 पोस्ट है, ओबीसी में 26 पोस्ट है, एससी में 21 पोस्ट है, एसटी में आपकी 10 पोस्ट है। काफी अच्छी पोस्ट है एसटी कास्ट में भी। ठीक है, और गाइज आगे हम बात करते हैं फॉर्म कब से फिलअप करने हैं आपको। आपको दोस्तों पता है गाइज, अभी 2 दिन पहले आपके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, 24/7/2021। हाँ जी भाई, सही सुना आपने, 24 तारीख से भाई आपकी जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट के बारे में, 22/8/2021 गाइस, 22 अगस्त की आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है इन्होंने, एसएसबी ने। गाइस, शाम को 5 बजे तक एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, 22 अगस्त तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपकी गाइस 100 रुपए फीस मांगी गई है, और एससी एसटी पीएच में आपकी कोई फीस नहीं है, आप ये फॉर्म बिना फीस पे किए फिलअप कर सकते हो। और जो भी मेरी बहने हैं, महिलाएं हैं, आप ये फॉर्म बिना फीस पे किए फिलअप कर सकते हो। ओके, आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल यहाँ पे मांगी गई है, और यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी को 5-5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है। ओके, और गाइस आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सर, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सर, मेरी कंपार्टमेंट आ रखी है भाई। देखिए, आपके पास +2 की डीएमसी होनी अनिवार्य है, आप +2 पास होने चाहिए। अब ये नहीं आपको कंपार्टमेंट, आप फॉर्म फिलअप कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास ये जो गाइस डीएमसी आपकी मार्कशीट है भाई, होनी अभी तुरंत हाल ही में अनिवार्य है, तभी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, आगे हम दोस्तों बात करते हैं पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। इससे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भाई। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपकी बार? ठीक है, सबसे पहले भाई आपके इसमें होने वाला पीएसटी, फिर आपका पीईटी होने वाला है। ये गाइस होने के बाद गाइस सेकंड फेज में आपका भाई इसमें होने वाला रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर के बाद आपकी होने वाला स्किल टेस्ट, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोल देते हैं गाइस। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एक ही होता है। इसके बाद आपका होने वाला भाई मेडिकल टेस्ट, फिर री मेडिकल, फिर आपकी दोस्तों फाइल मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये भाई आपका सिलेक्शन प्रोसेस अब की बार रहने वाला है। ठीक, तो गाइस इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप्स है आपके, आप आराम से क्वालिफाइड कर दोगे। आगे दोस्तों बात करते हैं पीईटी के बारे में। गाइस पीईटी में भाई गाइस ध्यान दीजिएगा, इस मैं बात कर रहा हूँ मेल के लिए। आपकी जो गाइस यहाँ पे रेस होने वाली है पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, आपकी यहाँ पे दोस्तों 1600 मीटर रेस होने वाली है, 1 किलोमीटर 600 मीटर। बॉयज के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको ये क्लियर करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। गाइस आपको टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का 1600 मीटर रेस के लिए, बॉयज को बता रहा हूँ। और गाइस जो मेरी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, आपको यहाँ पे रेस क्लियर करनी है 800 मीटर, आपको टाइम मिलेगा पूरे 4 मिनट का, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं हाइट के अकॉर्डिंग। आपकी जो हाइट है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए बॉयज के लिए, अगर हम बात करें आगे बात करें हम गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिनकी भी कास्ट जनरल ओबीसी एससी है, आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी के लिए। ठीक है, और जिन मेरी बहनों की हाइट 155 सेंटीमीटर है, उनकी जो भी कास्ट है जनरल ओबीसी एससी होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाओगे अगर आपकी कास्ट ये है तो। आगे हम दोस्तों बात करते हैं हाइट एसटी ओनली। अगर आपकी कास्ट एसटी है, आप बॉयज हो गर्ल्स हो, आई थिंक गाइस पहले बात करते हैं मेल के लिए, जो भी लड़के हैं उनके लिए बात करते हैं। अगर आपकी दोस्तों कास्ट एसटी कास्ट है, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप महिला हो, आपकी जो भी कास्ट एसटी है, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और गाइस ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरी बहन है, आपकी यहाँ पे चेस्ट
एप्लीकेबल नहीं है, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग। आपकी जो यहाँ पे चेस्ट है 77 से 82 होनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना बहुत ही जरूरी है, तभी गाइज आप फिजिकल में अच्छे से अपना गाइज मतलब फिजिकल पास कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको भाई टोटली जानकारी दे दी है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं गाइज आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस में सर क्या आने वाला है, सर यहाँ पे कैसे क्या, सर कितना हमें टाइम मिलेगा सर पेपर क्वालिफाइड के लिए, ठीक है उसके बारे में गाइज बात करते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले भाई बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। आपको भाई पेपर के बारे में थोड़े बाद में बताऊंगा मैं, पहले गाइज बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट। गाइज देखिए भाई, टाइपिंग टेस्ट में तकरीबन बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वालिफाइड नेचर में दोस्तों, आपका ओनली जनरल गाइज जनरल कास्ट को, जनरल ओबीसी को 50% नंबर लेना अनिवार्य है 100 में से। अगर आपकी 50 नंबर है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर जरूर आएगा। ठीक है, अगर आपकी कास्ट एससी एसटी है, अगर आपके नंबर 100 में से कुल 45 नंबर होने चाहिए, आपको कॉल लेटर जरूर आएगा स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। गाइज आगे बंदे फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है गाइज, देखिए जब आप दोस्तों आपका भाई पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे, मुझे पता है बहुत सारे बंधु ऐसे, मेरे भाई बंधु ऐसे जो क्वालिफाई पेपर कर लेंगे, लेकिन आगे आगे दोस्तों आप टेस्ट में रह जाओगे, टाइपिंग टेस्ट में। गाइज वो कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। ठीक है, आपकी जो है टाइपिंग स्पीड है वहां पे 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए हिंदी में। ठीक है, आप ये डाउट रहता है कि सर बैक स्पेस होता है फिर नहीं होता है, तो भाई सुनिएगा, आपके वहां पे बैक स्पेस नहीं होता, तभी वहां पे बंदे रह जाते हैं, तभी फेल होते हैं। इसलिए भाई ध्यान दीजिएगा, आपकी भाई आपकी जो टाइपिंग स्पीड है दोस्तों बेस्ट में से भी बेस्ट होनी चाहिए, तभी भाई आप एससीएम बन सकते हो, हेड कोस्टल मिनिस्टर की पोस्ट पे जा सकते हो, अगर आपकी टाइपिंग बेस्ट है तो। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं गाइज, आपकी भाई जो फाइल मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी। भाई वो बनेगी आपके ओनली गाइज पेपर के हिसाब से, गाइज रिटर्न में आपके कितने मार्क्स हैं गाइज, उनकी मेरिट के गाइज बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। गाइज स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर है यहाँ पे, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं गाइज आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सर एग्जाम पैटर्न सर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, तो गाइज सुनिएगा भाई, अगर आपने पेपर दे रखा है एसएससी जीडी का भाई, तो बिल्कुल सेम सिलेबस आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न रहने वाला है एसएसबी का भी। अगर आपने दोस्तों पेपर दे रखा है एसएससी जीडी, जिन मेरे भाइयों ने पेपर दे रखा, जिन मेरी बहनों ने पेपर दे रखा है एसएससी जीडी का, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है गाइज, आपको पता होगा यहाँ पे 25 मार्क्स आपका भाई हिंदी आएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों के आएंगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 25, मैथ आएगा आपका 25, आपकी जीके आएगी 25, आपकी रीजनिंग आएगी। गाइज हर एक पोर्शन के भाई आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स का एक पोर्शन होने वाला है भाई। टोटल आपका जो भी पेपर होने वाला है भाई 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। 100 में से एससी एसटी को लेने 45%, 45 नंबर, और जनरल को लेने, जनरल ओबीसी को लेने 50% नंबर। ठीक है, आपको भाई आगे आपका जो स्किल टेस्ट है भाई, उसको कॉल लेटर आने के लिए आपके पास इतने नंबर अनिवार्य हैं, बस अनिवार्य हैं। अब ये नहीं कि जो मेरे भाई बंधु 50 नंबर ले लेंगे वो पास हो जाएंगे, उनके पास वो एससीएम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो री मेडिकल के बाद बनेगी। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो गाइज अब एक डाउट था कि सर वहां पे हम हिंदी करें इंग्लिश करें, देखिए भाई इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा टफ आता है, अगर आप हिंदी करोगे वो बेस्ट आपके लिए। गाइज आपको वहां पे मिलेगा हिंदी और इंग्लिश, आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप इंग्लिश करना चाहते हो फिर इंग्लिश करना, हिंदी करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा आप वहां पे दोस्तों हिंदी करना, हिंदी का पोर्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, जॉब कहाँ पे होगी सर, देखो भाई देखिए आपकी जो जॉब है अक्रॉस इंडिया है, आपकी दोस्तों जो पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, खासकर गाइज बॉर्डर पे होने वाली है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये नहीं कि आपके आसपास आएगी, आसपास आप 20-30 साल में आओगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में आपके बस नजदीकी पोस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है, नजदीक पोस्टिंग आपकी नहीं आएगी, वो स्टार्टिंग में थोड़ी दूर आती है, बाद में आप खुद डिपार्टमेंट में जाने के बाद नजदीक आ जाते हो। ठीक है, और एक डाउट और था कि सर हमारी हैंड टू हैंड मतलब नेट सैलरी क्या है सर, हैंड टू हैंड मतलब हैंड टू हैंड हमें कितनी सैलरी मिलेगी वहां पे, तो गाइस ध्यान दीजिएगा भाई 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, फर्स्ट सैलरी एससीएम की, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की भाई एसएसबी में। तो गाइस ध्यान दीजिएगा 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। आपको गाइस फिर भी कुछ डाउट बचे भाई कि सर मेरा ये डाउट है सर बता दीजिए, सर मेरा ये डाउट है, तो भाई आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ये चैनल भाई आपका है, आपको सपोर्ट करना है, आपका भाई कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट कीजिएगा। अगर भाई आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया भाई, जब वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और जो मेरे भाई बंधु पहली बार यहाँ पे विराजमान हुए हैं भाई, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है भाई, रेड बटन है दबा दो। एंड गाइस थैंक यू सो मच।